हेलो दोस्त, विजडम जस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद और मैं अभी करंट अफेयर्स हिंदू एडिटोरियल के जो न्यूज़ है आज का अखबार डील कर रहा हूँ। और अगला इशू हो गया दोस्त, टोल राइजेस टू 27 इन दिल्ली वायलेंस। अभी देखना पड़ेगा हमें, एक सीएए के खिलाफ घर्षण वातावरण दिल्ली में शुरू हुआ। इससे पहले जो था शाहीन बाग का जो इशू था, लेकिन ये स्प्रेड होके दिल्ली में बहुत बहुत ही कम्युनल रेड्स होने का मौका है। और दिल्ली में पिछले चार दिन से बोथ द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट स्वंग इनटू एक्शन विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल एंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बहुत सारे लोग लड़ते हुए पिछले चार दिन से बहुत सारे लोग घायल हो गए और कुछ लोग जैसा पुलिस लोग एक घायल में मर गए इस आंदोलन वातावरण में और इस घर्षण वातावरण में। वो अपना जान खो बैठे कुछ पुलिस लोग, पुलिस फोर्सेस, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग घायल हुए, बहुत सारा नष्ट हुआ। ये सीएए के खिलाफ जो आंदोलन था दिल्ली में, प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक नहीं था, लेकिन ये हिंसायुक्त हो गया। अहिंसा नहीं था, लेकिन एक वायलेंट एक्टिविटी शुरू होगी यहाँ पर। पत्थर से हमला करना, पुलिस फोर्स के खिलाफ लड़ना, ये तो बहुत जोर से शुरू कर दिया दिल्ली के जो प्रोटेस्टर्स, जो सीएए प्रोटेस्टर्स थे, राइट। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, उसके खिलाफ जो लड़ने वाले प्रोटेस्टर थे, ये तो आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन एकदम वायलेंट हो गया और यहाँ पर दिल्ली का जो वातावरण है ये पूरा बहुत घर्षणात्मक और आंदोलन हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ को जानना चाहिए, अब दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, रिसेंटली जो फॉर्म करी दिल्ली को, वो तो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने पिछले जो इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, उसमें लगभग 62 सीट्स, दिल्ली के 62 असेंबली सीट्स जीत ली और मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी, राइट। और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है चीफ मिनिस्टर, और उनके साथ साथ ये नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र जो है, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र, वो एडवाइजर हो गए अजित डोवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनता है, राइट। नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर कौन है? अजित डोवल। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली जो हुए चुनाव में कितने सीट्स का जीत लिए, कितने सीट्स जीत लिए? 62 सीट्स जीत लिए। और अरविंद केजरीवाल और अजित डोवल दोनों मिलकर एक तो तय कर लिया कि और ये जो आंदोलन है इसको समाप्त करें, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने साफ सूत्र यही बताया कि गोइंग टू डिस्टर्ब पार्ट्स ऑफ द सिटी ऑन वेस्टे द रीबिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। ये दिल्ली की जितनी भी प्रजा है और इस प्रजा को, जनता को, इस आंदोलन से बचने के लिए और इस आंदोलन से रक्षा करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल डिस्कशन शुरू किए। और अजित डोवल भी इस डिस्कशन में शामिल हुए थे। अजित डोवल थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अभी अजित डोवल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और यहाँ पर हाईकोर्ट का बयान क्या है? दिल्ली का जो हाईकोर्ट है, ये हाईकोर्ट क्या बयान दिया? हाईकोर्ट टू द रेस्क्यू ऑफ दिल्ली रियोट्स विक्टिम्स, राइट। जितने भी विक्टिम्स है इसमें जो घायल हुए और इसमें जो अपना वो जो लाइवलीहुड को खो गए इस रेट्स में, और उन सब लोगों को हाईकोर्ट रक्षा देने के लिए कहा। कैसा इनका रक्षा करना है देखना चाहिए। द पिटिशन वॉज फर्स्ट टेकन अप ड्यूरिंग एन अर्जेंट मिडनाइट हियरिंग एट द रेजिडेंस ऑफ जस्टिस एस मुरलीधर। देखिए यहाँ पर जितने भी घायल हुए, जितने भी विक्टिम्स हैं, उनका रक्षा करने के लिए हाईकोर्ट ने आर्डर पास किया। अब यहाँ पर एक मिडनाइट में जस्टिस एस मुरलीधर के घर में एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ। मिडनाइट में नहीं, अर्धरात्रि मतलब मिडनाइट में एस मुरलीधर जज के, जस्टिस जो है एस मुरलीधर, उनके घर में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई मिडनाइट में।
when the court ordered the police to ensure safe passage to the victims. Right, ये जो victims है इन्हें रक्षा करने के लिए इस आंदोलन से हाई कोर्ट ने एक आर्डर पास किया और इस आर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए एक डिस्कशन हुआ मुरलीधर जज जस्टिस मुरलीधर के घर में. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनता है. रिसेंटली जो दिल्ली में जो आंदोलन शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ और यहाँ पर हाई कोर्ट ने विक्टिम्स को रक्षा करने के लिए आर्डर पास किया और इस आर्डर के बारे में डिस्कशन किसके रेसिडेंस में यानी किसके घर में हुआ? यस, मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर के घर में हुआ. राइट, अब ये डिस्कशन इसलिए हुआ कि यहां पर विक्टिम्स को रक्षा करने का. राइट, द कोर्ट डायरेक्टेड द स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीर रंजन वुड एंश्योर एडिक्वेट नंबर ऑफ help desk and number of persons assigned to handling distress calls. देखिए, अब ये पुलिस फोर्स जितना भी चाहिए, कोर्ट ने यही हुक्म दिया, जितना भी पुलिस फोर्स चाहिए, जितना भी होमगार्ड चाहिए और जितना भी पारामिलिट्री स्पेशल फोर्स चाहिए, इन स्पेशल फोर्स का मदद लो और पुलिस का मदद लो और चाहे होमगार्ड का भी मदद ले सकते हो और इन्हें सब का मदद लेके यहाँ का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को जल्द से जल्द शीघ्र और तुरंत खत्म करें, इस आंदोलन को रोक दिया जाए. ये तो हाईकोर्ट का हुक्म हो गया और हाईकोर्ट के हुक्म से कमिश्नर को ये आर्डर पास हुआ. प्रवीर रंजन जो दिल्ली के जो कमिश्नर है, इनको ये आर्डर पास हुआ कि तुरंत जितना जल्द हो उतना जल्द बहुत सारा फोर्स के साथ और हेल्प डेस्क के साथ इस आंदोलन को रोक दिया जाए. ये तो कोर्ट का हुक्म हो गया. द कोर्ट डायरेक्टेड दैट स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीर रंजन वुड एंश्योर एडिक्वेट नंबर ऑफ हेल्प डेस्क एंड नंबर ऑफ पर्सन असाइंड टू हैंडलिंग डिस्ट्रेस कॉल्स. और जितना भी ये मामला बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, इस मामले को खत्म करने के लिए और यहाँ पर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और शांति वातावरण के सृष्टि के लिए और जितना भी फोर्स जरूरत है उतना फोर्स का इस्तेमाल कर लीजिए और तुरंत इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए. ये तो हो गया कोर्ट का. राइट, यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत दोवल. ये तो यहाँ से सवाल बन सकता है. अभी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, ये तो सबको पता होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है. और कितने सीट्स ये रिसेंट इलेक्शंस में जीत लिए थे? ये तो 62 सीट्स जीत लिए और मेजॉरिटी पार्टी बन गए और गवर्नमेंट को फॉर्म किए दिल्ली. और ये तीन बार आज तक कितने बार वोट लिए? तीन बार प्रमाण स्वीकार हुआ इनका. राइट, मुख्यमंत्री के तरह, चीफ मिनिस्टर के तरह तीन बार वोट लिए, ये तीसरी बार वोट लिए सीएम के तरह. राइट, और एक चीज़ ये है, अब हाईकोर्ट ने ये विक्टिम्स को रक्षा करने के लिए एक आर्डर पास किया और इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ पर और किसके रेसिडेंस में चर्चा हुआ? जस्टिस यस मुरलीधर के रेसिडेंस में चर्चा हुआ. और हाईकोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया कि स्पेशल कमिश्नर को, दिल्ली के प्रवीर रंजन को स्पेशल परमिशन दिया कि जितना भी फोर्स चाहिए उतना फोर्स लेके तुरंत इस जो समस्या है इसको परिष्कार किए. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारा विजडम जॉब्स का वीडियो देख रहे हो लाइव और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिया जाए और हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त हमारे साथ बिताने का. शुक्रिया, धन्यवाद.